प्रधानमंत्री जी, देश की जनता ने आप पे अंधविश्वास किया। आपने जो कहा वो किया, जो मांगा वो दिया, जिसे जिताने को कहा जिता दिया, जैसा विधायक दिया, जैसा सांसद दिया, अरे कैसा भी मुख्यमंत्री दिया, सब स्वीकार किया। लेकिन आपने जनता के साथ धोखा किया। प्रधानमंत्री जी, देश में अच्छे नेताओं की कमी नहीं है, जनता तो बस पार्टी तंत्र के आगे मजबूर है, और आप इस पार्टी तंत्र की आखिरी उम्मीद थे। सोचा था आप जमीनी नेता हैं, आपने गरीबी देखी है, गरीबों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन आप तो अमीर पार्टी के हवा हवाई नेता निकले। गरीबों की बात छोड़ो, आपने तो शहीदों के घर जाना भी छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी, आप काला धन क्या लाएंगे? आपने तो 15 लाख की बात करके गरीब जनता का मजाक उड़ाया है। वो भ्रष्टाचारी विदेशों में मौज काट रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी देश विदेश ज्ञान बांट रहे हैं। अब आपकी बातों में वो बात नहीं है प्रधानमंत्री जी, अब आपकी बातों में वो बात नहीं है। जब से सरकार बनी है, जनता से पैसे ही लिए जा रहे हैं। हमसे पैसा बैंक में जाता है, बैंक से पैसा उन लोगों के पास जाता है जहां से मोटा चंदा आपकी पार्टी को मिलता है। तभी तो आपकी रैलियों में 4 चांद लगते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने बड़ी बड़ी रैलियों में बड़ी बड़ी बातें की थी। धारा 370, कश्मीरी पंडित, 1 सिविल कोड भूल गए क्या? प्रधानमंत्री जी, आपने घरेलू मुद्दे सुलझाने के बजाय और उलझा दिया, भाईचारा बढ़ाने के बजाय और लड़ा दिया। आपने तो देश को संकट में डाल दिया, देश दुश्मनों से घिरा है और आपने घर में आग लगा दिया। प्रधानमंत्री जी, आपने देश को खतरे में तो डाला ही है, जनता के अधिकारों को खत्म करके जनता को गुलाम बनाने की साजिश भी रच डाली है। प्रधानमंत्री जी, यूपी नगर निकाय चुनाव में कई सीटों पर निर्दलीय नगर पंचायत अध्यक्ष चुने गए। आपने सोचा कहीं आपकी पार्टी ना खत्म हो जाए, आपने जनता का अधिकार ही खत्म कर दिया। मेरे देशवासियों, निर्दलीय उम्मीदवार मतलब आम जनता का चुनाव लड़ने का अधिकार, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमसे छीन लिया। मेरे देशवासियों, आज देश में सारे चुनाव केवल पार्टी पार्टी की लड़ाई हो गई है। आम जनता के सामने आज वही विकल्प है जिनसे जनता परेशान हो चुकी है। मेरे देशवासियों, पार्टी तंत्र का करिश्मा देखिए। 125 करोड़ के देश में प्रधानमंत्री पद के बस 2 ही दावेदार हैं। एक उम्मीदवार ऐसा है जिसको चुनना उसकी पार्टी की मजबूरी है, और दूसरे को चुनना हमारे देश की मजबूरी है। अरे पप्पू और फेकू जी, आप दोनों तो देश की मजबूरी है। अगर आप दोनों में थोड़ी भी हिम्मत है ना, तो प्रतियोगिता खुली कीजिए, जनता को भी चुनाव लड़ने का अधिकार दीजिए। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ प्रधानमंत्री पद का चुनाव कराइए। जनता जिसे चुनेगी वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। मेरे देशवासियों, पार्टी बदलने से कुछ नहीं बदलने वाला, देश का चुनावी सिस्टम बदलिए। सत्ता की चाबी अपने हाथ में लीजिए, पूर्ण बहुमत का खेल खत्म कीजिए। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार अपने हाथ में लीजिए। मेरे देशवासियों, ये स्वार्थवादी पार्टियों ने
हमारे देश को बर्बाद कर दिया है, आपको गुलामी में ढकेल दिया है। अगर आप ऐसे ही सोते रहे ना, तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी गिनती गुलामों में होगी। मेरे देशवासियों, एक हो जा, एक हो जा। मेरे देशवासियों, आपको आगे आना होगा, तभी ये पार्टियां आपके पीछे आएंगी। आपको बदलाव करना होगा, तभी देश में खुशहाली आएगी। जय हिंद।